एम एस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में क्विक एक्सेस टूलबार के अंतर्गत आज आप सीखेंगे अंडू और रीडू ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी शीट में कार्य करते वक्त यदि आपने गलती से कोई टेक्स्ट या वैल्यू डिलीट कर दी या कोई चेंज किया हो और आप वापस पुरानी स्थिति में जाना चाहते हो तो उसके लिए ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार में ऑप्शन होता है अंडू का। आइए देखते हैं हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कमांड्स देते हैं। सबसे पहले तो हम मान लीजिए ये जो नाम है इसको इटैलिक करना चाहते हैं। हमने ऊपर इटैलिक पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये रमेश नाम जो है वो इटैलिक हो गया है। और अब हम इस फिगर को बोल्ड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हमने बोल्ड पर क्लिक कर दिया। और अब मान लीजिए इस वैल्यू का फॉन्ट जो है वो हम अलग कलर में चाहते हैं तो हमने ये ऊपर फॉन्ट कलर पर क्लिक कर दिया। ये देखिए इसका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो ये इस तरह से तीन कमांड्स अभी हमने दी। अब मान लीजिए हम इन कमांड्स को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल और जेड को प्रेस करें। अब हमने जैसे ही अंडू किया तो सबसे पहले जो लास्ट कमांड थी वो हटी है तो ये फॉन्ट कलर वापस पुरानी स्थिति में आ गया। अब अगर हम फिर से अंडू करेंगे तो ये जो हमने बोल्ड किया था ये वापस नॉर्मल हो जाएगा और फिर से अंडू करने पर रमेश को हमने इटैलिक कर दिया था ये वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो जब हम अंडू करते हैं तो अगर हमने एक से ज्यादा कमांड दे रखी हो तो सबसे पहले लास्ट वाली कमांड हटती है और उसके बाद उसी क्रम में पीछे जाते हुए कमांड्स हटती जाती है। अभी हमने जो भी कमांड्स दी थी उनको अंडू कर दिया है यानी उनको हटा दिया है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं वो कमांड्स आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में या तो आप रीडू ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल और वाई प्रेस करें। अब जब हम रीडू करेंगे तो जिस ऑर्डर में हमने कमांड दी थी यानी सबसे पहले जो कमांड दी थी वो सबसे पहले रीडू होगी। दूसरे नंबर पे जो दी थी ये देखिए हमने इस फिगर को बोल्ड किया था ये वाली कमांड वापस आ गई है। और फिर हमने फॉन्ट कलर चेंज किया था, अगली बार रीडू करने पर ये देखिए फॉन्ट कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अंडू और रीडू ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में क्विक एक्सेस टूलबार के अंतर्गत आज आपने सीखा अंडू और रीडू ऑप्शंस का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।